फ्रेंड्स, अलकाकृति क्रिएशंस पेज पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल और लौकी की दाल। लौकी मिलाकर मैं चने की दाल बनाऊंगी। एक्चुअली में आज मैं सिर्फ ये बहुत सिंपल सी सब्जी है, लेकिन मैं क्यों बताने आई हूँ, क्योंकि आज मैं इसको बनाऊंगी बिल्कुल जीरो ऑयल से। मैं घी और तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगी फ्रेंड्स। और जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, हाई शुगर रहती है, सबको आजकल आपको पता ही है कि सबको कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, और डॉक्टर्स बोलते हैं लो कैलोरीज खाइए, आप घी का यूज मत कीजिए, आप चिकनी चीजें मत लीजिए, आप तला भुना मत खाइए। तो उसमें हमारा एक ऑप्शन ये भी है कि हम दाल को ऐसे बनाएंगे कि उसमें बिल्कुल भी हम घी यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहले देखा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने ली है चने की दाल, इसको मैंने आधे घंटे भिगो दिया था और ये बिल्कुल धो के साफ करी हुई है, और इसमें ये पानी जो हम दाल में यूज करेंगे। और ये मैंने लौकी ली है, इतनी मुझे लौकी डालनी है। लौकी और चने की दाल मिक्स करके हम बनाएंगे आज। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, आपको पता है फ्रेंड्स, आपने शायद मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी, मैं हमेशा दाल में झाग निकाल के बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो अब मैं पहले दाल को चढ़ा दे रही हूँ, बिना नमक और बिना हल्दी के मैं चढ़ाऊंगी। मैं सिंपल चढ़ाती हूँ, पहले केवल पानी डाल के उबालूंगी इसको, और जब इसमें झाग बनने लगेंगे तो मैं उनको उतार दूंगी, उसके बाद ही मैं इसमें नमक, हल्दी और मसाले ऐड करूंगी। तो मैं अभी इसको चढ़ा देती हूँ। देखिए इसमें झाग आ रहे हैं, मैंने थोड़े से झाग पहले निकाल दिए और अभी मैं थोड़े से बचे हुए झाग और निकाल दे रही हूँ। जब हमारे झाग अब निकल गए हैं, अब मैं इसमें देखिए थोड़े से मसाले मिक्स करूंगी। ये देखिए, पहले मैंने इसमें मिक्स की लौकी, कटी हुई लौकी है, अच्छे से मैंने धो लिया। ये मेरी 2 कप लौकी है, क्योंकि ये मेरी सब्जी बन रही है 5 लोगों के लिए। इसमें मैं डालूंगी 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, फिर मैं डालूंगी ये जिंजर, मैंने ये कद्दूकस कर लिया था, कद्दूकस करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं डालूंगी हल्दी, हल्दी पाउडर, आपको अपने 5 लोगों के हिसाब से जितना नीड है उतना हल्दी पाउडर डालिएगा। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, आप जितना तीखा खाते हो उतना आप ऐड करिएगा। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसमें छौंक नहीं लगाएंगे, है ना, तो इसमें हम बेसिक मसाले ऐसे ही डालेंगे। मैं ऐड करूंगी इसमें टमाटर, इसका मैंने गैस पर छिलका पहले निकाल लिया है और महीन महीन काट लिया है। अगर आप लोग पूछोगे कि मैंने ये छिलका कैसे निकाला, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। देखिए हमने ये सब डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, इससे इसका कलर बहुत फाइन आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने जीरे और हींग को भून लिया था और मैंने देखिए बिल्कुल घी निकाल लिया है, आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है। अब मैं इसमें ये भी ऐड कर दूंगी, ये हींग और जीरा है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए हमारा उबाल आने लगा है, मैं कम से कम इसमें 5 सीटी लूंगी। एक्चुअली में मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, तो इस वाले कुकर में हमारे जल्दी सीटी आती है, 5 या 6 सीटी लेने के बाद हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी, फिर मैं आप लोगों को शो करूंगी। देखिए मेरी दाल पककर एकदम रेडी हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगी, इसका काम अभी अधूरा रह गया है मेरा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, ये देखिए फ्रेंड्स लेमन जूस, अकॉर्डिंग टू दाल, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं, क्योंकि हमने आपको पता है हमने इसमें टमाटर भी मिक्स किया था। लेमन जूस के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा चाट मसाला, और थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, वेल मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप हमने मैं हम लोग दो हैं, धनिया सुखा के रखते हैं, मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसमें धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता सकती हूँ कि ये घर में हमारे बहुत पसंद आने वाली है, और हम अक्सर बनाते हैं बिना घी की दाल, क्योंकि आजकल आपको पता है सबको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मैं खुद डायबिटिक हूँ। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, आप इसका कलर देख के बताइए, आप बता नहीं सकते हैं कि इसमें छौंक नहीं लगा है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सर्व की,
एंड मैं इसमें हल्का सा धनिया भी स्प्रिंकल कर लूँगी, क्योंकि अभी फ्रेश वाला धनिया नहीं है हमारे यहाँ, तो मैं यही स्प्रिंकल करूँगी और मैं धीमे से इसको मिक्स कर दूँगी। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल या ज़ीरो घी की हमारी दाल बनकर रेडी है। मैंने झाग निकाले थे तो ये बोन्स को भी हार्म नहीं करेगी और बिल्कुल ऑयल नहीं है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। आगे आगे मैं आपके लिए पनीर की सब्ज़ी और बहुत तरह की सब्ज़ियाँ मैं लेके आऊँगी ज़ीरो ऑयल वाली। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।